थॉट्स आने लगे थे कि अब मैं अनसोल्ड जाऊंगा, मुझे कोई नहीं खरीदेगा, बट अचानक से आरसीबी ने स्टार्ट किया और लास्ट में मुझे राजस्थान ने पिक किया था वो साल। आईपीएल ले तांको बोलिंग समस्त को प्रभावित करथिला, नुआ बॉल हो कि डेथ ओवर तांकर बोलिंग जो भली भाबे से करथिले लागुथिला आगामी दिन रे टीम इंडिया रो से गोटे भलो एसेट हेबे एवं परवर्ती समय रे मध्य से टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करले। उभय फॉर्मेट जोटा कि व्हाइट बॉल रो विशेष करी आपण दिनिकिया कथा कहिबा एवं टी20 कथा कहिबा उभय फॉर्मेट रे वर्तमान से टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करि सारिचंती एवं तांकर मध्य प्रदर्शन कहिबा गले ठीक ठाक रहिछि। ता सहित आईपीएल कथा जदि आपण कहिबे पूर्वरु से राजस्थान रॉयल्स पई खेलुथले एवं वर्तमान दिल्ली कैपिटल्स पई खेलिबा जारी रखिचंती। तबे आम सहित जोड़ी होइचंती भारतीय फास्ट बॉलर चेतन साकारिया, आमे तांको सह अधिक आलोचना करिबा। सर वेलकम टू ओडिशा एंड ऑल्सो वेलकम टू अर्गस न्यूज। थैंक यू सर। हाँ, क्या कहेंगे फिलहाल तो एक बात जानना चाहता हूँ, जो कल मैच होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप फाइनल, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच वन इज फेवरेट? देखिए अभी हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो मुझे लगता है हमारे जैसी कोई टीम नहीं है अभी वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे पास बैटिंग में भी इतनी डेप्थ है और बॉलिंग भी हमारी वर्ल्ड क्लास है, तो अगर हम हमारे सब डिपार्टमेंट अगर क्लिक होते हैं तो डेफिनेटली हम वन साइडेड जीतेंगे कल फाइनल। कोई खतरा है श्रीलंका का, कोई प्लेयर जैसे वालेलांगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी उनका जो मिडिल ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई खतरा है टीम इंडिया के लिए? मुझे हमेशा से लगता है कि श्रीलंका में ऐसे क्वालिटी स्पिनर आते रहते हैं, मतलब एज बाय एज वहाँ पर क्वालिटी स्पिनर, तो हाँ मेंडिस भी थे जो हमें बहुत परेशान किए थे जब इंडिया वगैरह में आए थे तब, तो उनके पास स्पिनर्स अच्छे, तो मुझे लगता है कि उनको अगर हम संभाल के खेले और रन बॉल भी खेल लेते तो हमारे अच्छे चांसेस हो जाएंगे जीतने के। सर आपका रणजी डेब्यू के बारे में पूछना है, क्योंकि हम लोग सुना है 2018 सीजन में जब जयदेव उनादकत इंजुरी से मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो गए आपको मौका मिला, उस टाइम में आप कितना प्रिपेयर थे, उसका जो मूवमेंट हम लोग के साथ शेयर करेंगे? वो टाइम पे देखिए मैं एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं जूनियर क्रिकेट भी इतना ज़्यादा नहीं खेला था, बट मेरे में जुनून अच्छा था और मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे पिक में था अपनी बॉलिंग पे, तो लकीली मुझे डेब्यू करने का मौका मिला, क्योंकि देखिए मैं जूनियर क्रिकेट खेल रहा था तो उस टाइम पे मुझे अभी बहुत सा कुछ प्रूव करना था, बट दो इंजरीज हुई थी हमारे सीनियर क्रिकेट टीम में तो मुझे जल्दी मौका मिल गया, एंड वो तो एकदम मतलब मेरे लक की वजह से मुझे डेब्यू करने का मौका मिला था, बट मैं अपनी बॉलिंग पे हमेशा से काम करता रहता था, इसीलिए मुझे रणजी ट्रॉफी में भी अच्छी खासी सक्सेस मिली थी वो टाइम। आईपीएल के बारे में क्या कहेंगे, मतलब जब ऑक्शन में आपका नाम आया था, आपका नाम के बीड भी हुआ था, उसके बाद जब आप आईपीएल का डेब्यू किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आईपीएल में कैसा था कि मैं सैयद मुश्ताक अली में बहुत अच्छे इकोनॉमी और अच्छे विकेट्स लिए थे वो साल, मैंने टॉप 5 में था, तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि मुझे कोई टीम मेरे लिए जाएगी, बट जब ऑक्शन हुआ और बिडिंग चालू हुई मेरा नाम आया था तो मैं बहुत नर्वस था, और हम विजय हजारे खेल के वापस जा रहे थे होटल में, बट शुरू में किसी भी टीम ने मेरे लिए बिड नहीं किया पहले 10 सेकंड, तो मुझे लगा अभी मैं अनसोल्ड जाऊंगा, तो मेरे मन में ऐसा थॉट्स आने लगे थे कि अब मैं अनसोल्ड जाऊंगा, मुझे कोई नहीं खरीदेगा, बट अचानक से आरसीबी ने स्टार्ट किया और लास्ट में मुझे राजस्थान ने पिक किया था वो साल। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स में हो, अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो, क्या कहेंगे राजस्थान का ड्रेसिंग रूम का माहौल और दिल्ली का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल देखिए दोनों में अच्छा है, बट दिल्ली कैपिटल्स में क्या रहता है, थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल होता है कि आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो वो हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है, और राजस्थान रॉयल्स में ज़्यादा माहौल मतलब यंगस्टर फ्रेंडली था, तो यही चीज़ फ़र्क है, बाकी सब प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, जूनियर को अच्छे से संभालते हैं और सिखाते हैं, जैसे ईशान भाई हो गए, अक्षर भाई हो गए, इवन ऋषभ भाई भी बहुत सारा अच्छा नॉलेज अपना शेयर करते हैं, तो दोनों में एक सिमिलर जैसा माहौल है। कमेंटेटर एक बात बोलते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स आर नॉट राइट फॉर इंडियन बैट्समैन, ये बात सच है कि अगर ट्रेंट बोल्ट के बारे में बोलेंगे, क्या सैयद मुश्ताक अली अफरीदी के बारे में बोलेंगे, हर टाइम इंडियन बैट्समैन को दिक्कत देते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में, टीम इंडिया बैट्समैन अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते क्योंकि या अच्छा क्वालिटी उनको फेस करने के लिए मौका नहीं मिलता? देखिए आप अगर पुराने टाइम में भी देखेंगे तो हमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने तंग कहीं ना कहीं किया है, जैसे जुनैद खान हो गए, वसीम सर हो गए, या कोई भी आप निकाल लो पुराने बॉलर्स, तो एक मुझे लगता है हमारे बैट्समैन में कोई कमी नहीं है, बट जो लेफ्ट आर्म को जो नेचुरल एंगल मिलता है और वहाँ से बॉल अगर स्विंग होके अंदर आती है तो आप मुझे लगता है कि उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते आप ज़्यादा, तो एक लेफ्ट आर्म को वो एडवांटेज मिलता है, इसीलिए बैट्समैन थोड़ा ज़्यादा तंग होता है।
वो चीज़। सर आपका मतलब प्लेइंग आइडियल कौन है, बाकी क्रिकेट का सफ़र सर कैसे शुरू हुआ? हम लोग तो सुना है आपका स्ट्रगलिंग के बारे में, बाकी क्रिकेट का सफ़र के बारे में थोड़ा हमको बता दो, हमारा जो दर्शक भी उनको बता दो कैसे क्रिकेट का सफ़र शुरू हुआ। मैं भी एक कैसा है नॉर्मल बच्चों की तरह, क्या होता है कि इंडिया में क्रिकेट पहले से ही बच्चों में बहुत फेमस है, सिर्फ बच्चों में भी नहीं, आप देखोगे तो बड़ों में भी हम एक रिलीजियस की तरह क्रिकेट को मानते हैं। तो मेरे में भी वो कहीं ना कहीं मेरे खून में भी था, मेरे पापा भी बहुत क्रिकेट खेलते थे बट वो लोकल क्रिकेट खेलते थे, तो मुझे वहीं से थोड़ा शौक था खेलने का और गलियों में वगैरह खेलता था, कहीं टेनिस टूर्नामेंट में खेलने जाता था। तो धीरे धीरे करके हमारे स्कूल में एक दिन हमारे पीटी टीचर ने कहा अगर जिन जिन को क्रिकेट में इंटरेस्ट है और सिलेक्शन देना है टीम के लिए स्कूल की तो वो आ सकते हैं लास्ट में, तो वहीं से मेरा क्रिकेट खेलना चालू हुआ, जो बोलेंगे ना सीजन बॉल क्रिकेट, क्रिकेट बॉल रहता है, तो मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ। मैंने वो सिलेक्शन दिया और मुझे दो तीन एक्शन करने आते थे और मैं उस टाइम पे बॉल को अच्छा हिट कर लेता था, तो मुझे वहाँ से सिलेक्शन मेरा हुआ और सफ़र चालू हो गया क्रिकेट का। सर टीम इंडिया के मतलब जब डेब्यू किए हैं उस टाइम में आप कितना प्रिपेयर थे, और थोड़ा तो नर्वस हो गए क्योंकि देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जा रहे हो, उस टाइम का क्या माहौल था और कैसे आपको मतलब पता चला कि आप आज डेब्यू करने वाले? सबसे पहले तो कैसा था कि मेरा खेलने का कोई सीन नहीं बन रहा था, बट अचानक से टीम इंडिया में 5 लोगों को कोविड हो गया था, तो मेरा अचानक खेलने का सीन बन गया था। वो टाइम पर मैं सोचता रहता था कि इस बैट्समैन को कैसे डालना है, मीटिंग में भी इतना इंटरेस्ट लेता था, पूवी भाई से बात करता था कि भैया ये बैट्समैन को ऐसे डाल सकते हैं क्या, इसका ये वीकनेस लग रहा है, ये नए बॉल से ये आगे टप्पा डालना होता है, तो मैं थोड़ा प्लानिंग वगैरह में पूवी भाई से और टीम मीटिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेता था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं खेलने के लिए तैयार नहीं था बट मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को, तो वो चीज़ थी कि जब मुझे खेलने का मौका मिला तो मैं ज़्यादा नर्वस नहीं था वो टाइम पर। फिलहाल तो आप रिहाब में हो, क्या प्लानिंग है आफ्टर इंजरी, आप कैसे प्रिपेयर हो गए अगले आईपीएल सीज़न के लिए और डोमेस्टिक सीज़न के लिए? अभी मेरा टोटली रेस्टिंग पीरियड चल रहा है और एक महीना जैसे रेस्टिंग पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद मुझे स्ट्रेंथ के लिए वापस बिल्डअप करना है, तो वो प्लान तो अभी भी रेडी है बट जैसे ये मसल हील होता है उसके बाद से वो सब स्टार्ट होगा, तो अभी के लिए मुझे रेस्ट करना है। वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, कितना चांसेस है इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने में? मुझे अभी भी याद है वो मेमोरीज़, 2011 का वर्ल्ड कप जो था हमारे टीम के ऊपर सेम प्रेशर था, बट वो टाइम पे जो हमारा सब क्लिक होने लगा था, बैटिंग भी बॉलिंग भी और फील्डिंग भी, इवन युवराज सिंह ने भी जो हमें ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थे, इस साल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे कि अभी कुलदीप यादव है वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे इस वर्ल्ड कप में, तो हमारे इंडिया के बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा चांस है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे होम पे। एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, उड़ीसा एंड उड़ीसा के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल? मैं ओडिशा से बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ओडिशा से, तो मुझे यहाँ का जो कल्चर रखता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, जो फ्रेंडली कल्चर होता है, तो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान भी छिड़कते, तो मुझे वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है ओडिशा के लोगों में। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सीजन। निहत भाव शुणुले आपण चेतन सकारिया प्रतिक्रिया, जो भाव ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ସେ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଞ୍ଜୁରି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରିହାବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି ସେଥିରେ ଭାରତ ଜିତିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।